गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम विजुअल बेसिक यूनिट 2 से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम विद कोड पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, डिज़ाइन ए फॉर्म कंटेन टू बॉक्स सो दैट वेन क्लिक ऑन कमांड बटन कॉपी द टेक्स्ट कॉपीड फ्रॉम फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स टू द सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स बट इन साइज 28। मतलब इस क्वेश्चन में इन्हें बताया कि हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं और एक कमांड बटन बनाना है जिसका नाम रखना है कॉपी। ठीक है, अब होना क्या है इस प्रोग्राम में कि जो हम फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में डेटा इनपुट करेंगे उसको जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं ये हमारा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में कॉपी हो जाए। लेकिन उसकी लिमिट ने दे रखी है कि 28 करेक्टर से ज़्यादा का डेटा आप उस पर कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक फॉर्म डिज़ाइन करना होगा जिसमें हमारे 2 लेवल 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे या 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे और एक बटन होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है हमारा फॉर्म 1। ठीक, ये टेक्स्ट 1 है, बॉक्स 1, और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। ये हमारा कमांड बटन है कॉपी बटन। जब इस बटन पे अब क्या करोगे, यहाँ सेकंड स्क्रीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लिखा उसको जैसे आप कॉपी पर क्लिक करोगे इधर कॉपी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब आप कॉपी बटन की प्रोग्रामिंग करोगे, हमें कॉपी बटन की प्रोग्रामिंग करनी है ओनली, तो यहाँ पर ये कॉपी बटन की प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, करना क्या है कि जब कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें टेक्स्ट 1 टेक्स्ट जो पहले टेक्स्ट बॉक्स है उसका डेटा लाना है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा कर दिया कि text2.txt इज इक्वल टू text1.txt, और यहाँ पर हमने text2 का जो फॉन्ट साइज़ इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी 28, बस एंड कर दिया। अब आप जो भी इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा लिखोगे उसको जैसे ही आप कॉपी बटन पे क्लिक करोगे ये उसको क्या कर देगा, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में कॉपी कर देगा। मतलब सेम दोनों साइड में दोनों सेम टेक्स्ट हो जाएगा, और जब सेम टेक्स्ट हो जाएगा लेकिन उसकी रेंज रहेगी कि अगर आपने इसमें 28 से ज़्यादा करेक्टर लिए तो केवल 28 करेक्टर तक ही कॉपी होंगे। अगर आप चाहते हो कि ऑल टेक्स्ट कॉपी हो जाए तो यहाँ से इसकी लिमिट हटा दो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, डिज़ाइन ए फॉर्म विद 1 टेक्स्ट बॉक्स एंड 3 चेक बॉक्स। मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, 3 चेक बॉक्स बनाने हैं। कह रहा सच दैट वेन क्लिक ऑन बॉक्सेस, जब हम इन बॉक्सेस चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने टाइप किया है वो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में हो जाए। तो सिंपल सा क्या है, इस फॉर्म को आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है। मतलब इस पर आप जो भी टाइप करोगे, उसके बाद ये 3 चेक बॉक्स हैं। पहला चेक बॉक्स है बोल्ड के लिए, दूसरा चेक बॉक्स है इटैलिक के लिए, तीसरा है अंडरलाइन के लिए। मतलब अगर हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा उस टेक्स्ट बॉक्स को अगर हमने इटैलिक पर क्लिक किया तो ये इटैलिक हो जाए, अगर हम बोल्ड पर क्लिक करें तो बोल्ड हो जाए, अंडरलाइन पर क्लिक करें तो अंडरलाइन हो जाए। मतलब 1 टाइम में 1 एक्शन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये देखो आप 3 विंडो दिख रही हैं आप लोगों को। यहाँ पर क्या है कि नहीं, यहाँ पर जो भी लिखा वेलकम लिखा, अब इसने क्या किया इसको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन पे क्लिक किया, यहाँ से अंडरलाइन हो गया। दूसरे बार में इसने इसको इटैलिक कर दिया, तीसरे बार में इसने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग को देखने के लिए देखते हैं
प्रोग्रामिंग किन की होगी, इन चेक बॉक्सेस की। तो यहाँ पर ये देखो, ये प्रोग्रामिंग की हुई है, यहाँ लिखा हुआ है चेक वन डॉट क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इसको फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, एंड सब। फिर दूसरे उसकी चेकबॉक्स की है, इस पर क्या किया, फॉन्ट इटैलिक, और तीसरे को फॉन्ट अंडरलाइन। बस सिंपल सा है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है ये क्वेश्चन यहाँ पर के, डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक टू डिस्प्ले द टाइमर इन सेकंड। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक जो है डिज़ाइन करनी है, जिसमें हमारा टाइम जो है सेकंड्स में होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक यहाँ पर हमें लेबल लेना होगा, ये लेबल है, और यहाँ पर एक हम टाइमर लगाएंगे। तो टाइमर क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, टाइमर कंट्रोल हमारा रन टाइम पे विजिबल नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो विजिबल नहीं है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये टाइम यहाँ पर शो करेगा। बस सिंपल सा है, हमने क्या किया, इस टाइमर बटन की हमें प्रोग्रामिंग करनी है, मतलब कोडिंग हमें उसी की करनी होती है जिस पर हमें किसी उस पर क्लिक करने से या कुछ भी करने से हमें कुछ मिलता है, जैसे कमांड बटन हो गए, ये हमारा कंट्रोलर हो गया। तो इसकी कोडिंग आपकी ये है, आप क्या करोगे, ये तो लिखी रहती है फर्स्ट और सेकंड लाइन, आप क्या करोगे, लेवल वन मतलब किस पे शो होना है, लेवल वन पे, लेवल वन डॉट कैप्शन इज इक्वल टू टाइम। बस सिंपल सा है, हो जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन थे हमारे यूनिट टू से रिलेटेड, बाकी के आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।